नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन हेल्प 2019। जो लोग हमारे चैनल पे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके करें और बेल के आइकन को दबाकर ताकि आपको आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अपने चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आज का मेन टॉपिक है कि डिजी सेवा पोर्टल से हम आयुष्मान के कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आज पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इसमें देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। आप स्किप करेंगे बीच में तो समझ नहीं पाएंगे शायद कभी भी। जैसा हम क्रोमा पे तो हम रजिस्ट्रेशन करते ही हैं, रजिस्ट्रेशन तो हम कर लेते हैं क्रोमा पे, लेकिन जब हम अप्रूवल कार्ड जो होते हैं उन्हें अगर हम डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि हमारा पेमेंट फेल हो जाता है कई बार, तो पेमेंट वापस नहीं आता है। वॉलेट से भी कट जाता है और अपने इसमें अपना प्रिंट भी नहीं निकल पाते, हम कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रहे कि हम जब भी कार्ड डाउनलोड करें या कोई वॉलेट रिचार्ज करें तो डिजी फायरफॉक्स पे करें, तो हमें सबसे पहले चलना है हमारे मेन इस पर डी सेवा पोर्टल पे। जाने के बाद में यहाँ हम क्लिक करेंगे, डिजी मेल खुल गया हमारा। अब हमें इसे लॉगिन करना है, आप भी अपना डिजी सेवा पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में मेरे यहाँ पहले से खुला हुआ है, तो खुलने दें, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमारा डिजी सेवा का पोर्टल जो है खुल गया है। अब हम करेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान स्कीम पर। प्रोडक्ट में जाने के बाद में जो ओपन होगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा आपके सामने, और यहाँ पे हम जाएंगे बेनिफिशियरी में। बेनिफिशियरी जाने के बाद होम स्टेटस AB, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली हम देखेंगे इनमें किस का हमें कार्ड डाउनलोड करना है। महेंद्र को सर्च करेंगे, महेंद्र ठाकुर हम यहाँ प्रिंट पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में ये प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद में हम यहाँ पे हमारा जो है डिजी सेवा का जो भी हम लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद में वैलेट पर क्लिक करेंगे तो यह पूछेगा आपका वॉलेट पिन जो आपने बनाया होगा वो वॉलेट पिन डालने के बाद में हम यहाँ से पे पर क्लिक करेंगे। ये पैसे हमारे वॉलेट से डिटेक्ट हो जाएगा।